हेलो एंड वेलकम एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज अपने पढ़ने जा रहे हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, मृदा के अवयव के बारे में। ठीक है, अपना सिक्स टॉपिक है फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस का। ठीक है, तो उसके अंदर जो है अपने कंपोनेंट्स की बात करेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। ठीक है, मृदा के अवयव। ठीक है, मृदा के अवयव के बारे में बात करेंगे। ठीक है, आपके जो SSAC 1 का जो आपका कोर्स है उसके अंदर आपका सिक्स टॉपिक है ये। पांच टॉपिक अपने कंप्लीट हो चुके हैं, सिक्स टॉपिक आज से स्टार्ट करने जा रहे हैं, मृदा के अवयव कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने अवयव की बात करें तो मृदा के अंदर क्या होता है, एक होता है ठोस भाग सॉलिड स्पेस, ठीक है, एक होता है रंध्रावकाश। ठीक है, पोर स्पेस जिसको बोलते हैं। ठीक है, रंध्रावकाश और जिसको इंग्लिश में बोलते हैं पोर स्पेस और ठोस सॉलिड स्पेस। ठीक है, ये 50% होता है, ये भी क्या होता है 50% होता है। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, सॉइल अपने आप में के अंदर, मृदा अपने आप के अंदर कितनी होती है 100% होती है, उसका 50% ठोस हो गया और 50% क्या हो गया रंध्रावकाश हो गया। अब जो ठोस होता है उसके अंदर फिर दो टाइप से इसको डिवाइड किया जाता है, एक आ जाती है खनिज पदार्थ, ठीक है, मिनरल्स आ जाते हैं, वो एक आ जाता है आपका कार्बनिक पदार्थ ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, अब देखिए खनिज पदार्थ जो है वो ठोस का कितना होता है 45% और ये कितना होता है 5%। ठीक है, हालांकि ये जो चार्ट है वो आप लोगों ने 12th के अंदर पढ़ा हुआ होगा। ठीक है, जिसके अंदर ठोस रंध्रावकाश, ठोस के अंदर फिर खनिज पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ आते हैं। ठीक है, फिर खनिज पदार्थ के अंदर फिर आगे जो है क्रिस्टलॉइड और कोलोइड्स आ जाते हैं। ठीक है, क्रिस्टलॉइड्स और कोलोइड्स। ठीक है, क्रिस्टलॉइड्स और कोलोइड्स। ठीक है, कार्बनिक पदार्थ है उसके अंदर क्या आ जाएगा, एक तो आपका ह्यूमस आ जाएगा और इसके अंदर जीवित जीव आ जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान से समझिएगा, ये भी लिख लेते हैं साथ साथ में, जो रंध्रावकाश है पोर स्पेस है उसके अंदर आपके क्या आ जाएंगे, इसके अंदर आपके आ जाएंगे सॉइल एयर और सॉइल वाटर, मर्दा जल और मर्दा वायु। अरे उल्टा लिख दिया क्या। ठीक है, ये इधर मर्दा वायु होगी और ये मर्दा जल हो गया, ये भी 25% और ये भी 25%। अब यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है याद रखने वाली, ठीक है, एक तो ये आपको पूरा चार्ट याद होना चाहिए। ठीक है, मृदा के अवयव आपके क्वेश्चन आ जाए कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल तो सबसे पहले आप ये चार्ट बना के शो करोगे। ठीक है, उसके बाद में थ्योरी लिखोगे। इससे क्या होएगा, आपने यदि ये चार्ट बना दिया तो एग्जामिनर को जो आपकी कॉपियां चेक करेगा उसको पता लग जाएगा कि हाँ इसको पता है ये होता है ये और ये चीज़ जो है इतने परसेंट होती है। ठीक है, तो कोई नंबर कटने के चांस जो है कम रहते हैं। अब देखिए सॉइल जो 100% थी उसका 50% ठोस हो गया, जो 50% रंध्रावकाश हो गया। अब इस 50 के अंदर 45% क्या होते हैं खनिज पदार्थ होते हैं और कार्बनिक पदार्थ कितने होते हैं 5% होते हैं। कार्बनिक पदार्थ के अंदर ह्यूमस आ जाएगी और इसके अंदर जीवित जीव हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। ठीक है, खनिज पदार्थ के अंदर क्रिस्टलॉइड्स और कोलोइड्स आ जाते हैं। रंध्रावकाश यानी पोर स्पेस जो है उसके अंदर सॉइल एयर सॉइल वाटर आ जाता है, मर्दा वायु और मर्दा जल 25% होते हैं। अब एक चीज़ देखिएगा, ये जो 50% है ठोस जो है वो 50% किसका है मर्दा का है, लेकिन ये जो ठोस है वो अपने आप में क्या होता है
100%, हर चीज़ अपने आप में 100% है। जैसे अपनी बॉडी की बात करें, बॉडी अपने आप में क्या है, 100% है। जब इस हाथ की बात आएगी तो ये हाथ अपने आप में 100% है, ठीक है। ऐसे ही ये इसका पार्ट ही है बॉडी का, ठीक है। ऐसे मर्दा का पार्ट है ठोस, ठीक है। लेकिन जब बात आती है कि खनिज पदार्थ जो है वो ठोस का कितना परसेंट होते हैं, तब आप लिखोगे कि 90% होते हैं, क्योंकि ये क्या था, अपने आप में 100%। जब ये 100 हो गया, मतलब ये डबल हो गया, तो इसका भी डबल होएगा, इसका भी डबल। तो कार्बनिक पदार्थ जो है ठोस का कितना परसेंट होते हैं, 10% होते हैं। तो जो आप, मैं अब आगे इनकी थ्योरी बताऊंगा तो उनके अंदर आपको ये लाइन लिखनी होगी, तो इसीलिए मैंने पहले बता दिया ताकि आप कन्फ्यूज ना हो। तो यदि आपने लिखेंगे कि मर्दा ठोस का खनिज पदार्थ जो है वो 90% भाग होते हैं, यदि पूछा जाए मर्दा का खनिज पदार्थ जो है वो कितने परसेंट होते हैं, तब 45% आएगा। समझ आ गई, ठीक है। तो ये जो चार्ट था, अब इसके अंदर जो टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ सॉइल, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। बस इसके अंदर ये चार्ट आपको याद होना चाहिए, इसके बाद में थ्योरी है, थ्योरी में साथ साथ मैं बता रहा हूँ, आप उनको अच्छे तरीके से याद कर लेना। सबसे इम्पोर्टेंट आता है यहाँ से क्वेश्चन, एक नंबर का यदि क्वेश्चन बनता है तो वो इसके अंदर बनता है, सोइल एयर के अंदर। तो उसकी एक टेबल बनवाऊंगा, वो टेबल अच्छे तरीके से आपको याद करनी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले अपने खनिज पदार्थ की बात करते हैं। खनिज पदार्थ क्या होते हैं, खनिज पदार्थ जो है वो अपने को कहाँ से मिलते हैं। तो पहला तो पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि ये जो मर्दा ठोस है उसका क्या होता है, ये 90% भाग होता है। उसके बाद में अपने क्या लिखेंगे कि जो खनिज होते हैं वो कहाँ से अपने को मिलते हैं, जो चट्टान होती है उनके अपक्षय से मिलते हैं, ठीक है। तो जो खनिजों की प्राप्ति होती है वो चट्टानों के अपक्षय से होती है, वेदरिंग ऑफ रॉक्स, ठीक है। रॉक्स की जो वेदरिंग होती है उससे अपने को क्या मिलते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, खनिज पदार्थ मिलते हैं, ठीक है। जो खनिज पदार्थ है वो कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, आकृति और संगठन के आधार पर इनकी किस पे डिपेंड करेगी, ये करेगी पैतृक पदार्थ पे, और जो इसका पेरेंट मैटर होता है। तो जो खनिज होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होगी, उसका कंपोजिशन होगा, वो किस पे बेस्ड होता है, वो पेरेंट मैटर पे डिपेंड होता है। पैतृक पदार्थ पर जो है वो निर्भर होता है कि उसकी आकृति कैसी होएगी, उसका संगठन क्या होएगा, ठीक है। मतलब जो है पैतृक पदार्थ कैसा है, एसिडिक है, जैसे ग्रेनाइट, एसिडिक इग्नियस रॉक से कौन सा बनता है, ग्रेनाइट बनता है, ठीक है ना, वो आपको रॉक्स वाला अच्छे तरीके से याद होगा, तो उसी टाइप से, ठीक है। अब जो खनिज पदार्थ है वो क्या है, कंकड़ जो होते हैं, कंकड़ पत्थर, ठीक है, बालू हो गया, सिल्ट हो गया, मृतिका होगी, ठीक है। बालू को इंग्लिश में बोलते हैं सैंड, ये सिल्ट तो सिल्ट ही रहता है, और ये क्ले हो जाता है, ठीक है। तो इन सभी के अंदर क्या होते हैं, खनिज पदार्थ होते हैं। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हो कि कंकड़ पत्थर बालू सिल्ट मृतिका के अंदर भी खनिज पदार्थ के अंश पाए जाते हैं। अब एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपके सैंड होगी और जो सिल्ट होगी, यानी जो आपकी बालू और जो सिल्ट है, इसके अंदर कौन से खनिज होते हैं, तो इसके अंदर याद रखना है आपको जो आपके प्राइमरी खनिज होते हैं, सॉरी प्राइमरी मिनरल्स होते हैं, प्राथमिक खनिज होते हैं, ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश मिक्स हो रखा है। तो प्राथमिक जो खनिज होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, आपके सैंड और सिल्ट के अंदर होते हैं, बालू और जो आपकी सिल्ट है उसके अंदर प्राथमिक खनिज होंगे, ठीक है। सैंड और सिल्ट में प्राइमरी मिनरल्स होते हैं। जो आपकी क्ले होती है, मृतिका होती है, उसके अंदर कौन से होते हैं, तो इसके अंदर होते हैं सेकेंडरी, जो द्वितीयक खनिज होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, क्ले के अंदर होते हैं। तो प्राइमरी खनिज कौन कौन से होते हैं, जैसे क्वार्ट्ज हो गया, फेल्डस्पार हो गया, तो ये आपके सिल्ट और सैंड के अंदर, ठीक है, बालू और सिल्ट के अंदर पाए जाते हैं। क्ले के अंदर सेकेंडरी, जैसे मोंटमोरिलोनाइट हो गया, इलाइट हो गया, एल्युमिनियम और फेरस के ऑक्साइड हो गए, ठीक है, ये सारे जो है द्वितीयक खनिज होते हैं। तो अपना पहला हो गया खनिज पदार्थ कंप्लीट, ठीक है। उसके बाद में सेकेंड अवयव आता है अपना, कौन सा, कार्बनिक पदार्थ, ठीक है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, इस पे आपको हर जॉब्स की अपडेट मिलती है, प्लस मैंने कॉम्पिटिशन लेवल की क्लासेस सारी ले रखी है, तो आप उनको भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक मिल जाते हैं, जो जो अपने टॉपिक करते हैं। और आपको क्या है, और ये हाँ एक चीज़ है, कंपटीशन लेवल के अंदर मैंने इतना डीप नहीं कराया, क्योंकि थ्योरी के अंदर तो अपने को लिखना पड़ता है ना, तो मैं क्या है थ्योरी के अंदर थ्योरी बता रहा हूँ, थ्योरी क्लासेज के अंदर, ठीक है। कॉम्पिटिशन लेवल वाली के अंदर तो ये सिर्फ चार्ट ही काम का होता है, इसमें से क्वेश्चन आते हैं कि खनिज पदार्थ कितना होता है, कार्बनिक पदार्थ कितना होता है,
ठीक है ना। तो उसके अंदर जो है मैंने सिर्फ ये चार्ट पढ़ाया हुआ था, लेकिन थ्योरी के अंदर जो है कंप्लीट आता है, तो इसके अंदर थ्योरी लिखनी होती है, इसलिए थ्योरी के बारे में बता रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है अपना कार्बनिक पदार्थ। हालांकि मेरे को इतना तो पता है कि इन वीडियोस पे मेरे व्यूज़ कम आ रहे हैं, कंपटीशन लेवल वाले पे ठीक आ जाते थे, इन पे कम आने का कारण ये है कि जब एग्ज़ाम होते हैं ना तभी स्टूडेंट्स क्लासेस देखते हैं ये, ठीक है ना। कंपटीशन लेवल वाले तो ये है कि कभी भी वैकेंसी आ सकती है, तो वो साथ साथ तैयारी करते हैं, लेकिन थ्योरी एग्ज़ाम के अंदर क्या होता है कि स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि कल मान लो सोशल साइंस का पेपर है तो आज रात को लगेंगे, ले भाई ये क्लास ले लेते हैं, इस अब रॉक्स वाले की क्लास लेते हैं, अब वेदरिंग वाला चैप्टर कवर करते हैं, ठीक है ना। तो एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, तो अभी दिसंबर के अंदर लगभग एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है ना। तो उस चक्कर के कारण क्या व्यूज इन पे कम आ रहे हैं, ठीक है। तो अब कार्बनिक पदार्थ की बात करें तो कार्बनिक पदार्थ कितना होता है, 5% होता है। अब कार्बनिक पदार्थ या ऑर्गेनिक मैटर होता क्या है कि जो भी प्लांट्स हो गए, एनिमल हो गए, इनके क्या होते हैं, जो रेजिड्यूज होते हैं, ठीक है, इनके रेजिड्यूज के डिकम्पोजिशन से जो अपने को पदार्थ मिलता है वो ऑर्गेनिक मैटर कहलाता है। हालांकि जो आपके प्लांट और एनिमल के रेजिड्यूज है वो भी क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, लेकिन इनका डिकम्पोजिशन हो जाता है तो क्या बनता है, ह्यूमस बनता है, ठीक है, समझ आ गई। तभी मैंने लिखा हुआ था कि ह्यूमस और जीवित जीव, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, जो भी प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, इनके रेजिड्यूज यानी पौधे और जीव जो आपके जंतु होते हैं, पशु होते हैं, इनके अवशेष क्या आते हैं, कार्बनिक पदार्थ के अंदर आते हैं। इसके अंदर आप क्या लिख सकते हो, एक तो ये पॉइंट लिख सकते हो कि पौधे और जंतुओं के अवशेष जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, ये लगभग 5% तक होते हैं। फिर इसके अंदर ये लिख सकते हो कि इनके विच्छेदन से ह्यूमस बनता है, जो मृदा के अंदर वायु संचार अच्छा कर देता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है, मतलब मृदा की जल धारण क्षमता बढ़ा देता है। तो ये कार्बनिक पदार्थ के अंदर आ जाएगा, छोटा सा टॉपिक है ये, ठीक है। इसके बाद में आता है मृदा जल, ठीक है, सोयल वाटर। हिंदी वाले कन्फ्यूज मत होना भाई, कई बुकों में ऐसे भी लिखा हुआ है द्रव और गैस, ठीक है। तो द्रव के अंदर लिखे जो मर्दा के अंदर द्रव तो वो क्या होता है, जल ही होता है, और गैस के अंदर में जो है हवा आ जाएगी, ठीक है, ये आपकी नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, CO2, ये सारी गैसेज आ जाएगी, ठीक है। तो वो अपने टेबल पढ़ेंगे तब समझ आ जाएगा। मर्दा जल की बात करें, सोयल वाटर की बात करें, तो ये कितना होता है, 25% होता है, 25% होता है, ठीक है, 25% होता है। अब ये क्या करता है कि जो भी मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनको क्या करता है, उनका एक सॉल्यूशन बनाता है, और उस सॉल्यूशन के द्वारा जो है प्लांट्स उनको अपटेक कर पाते हैं, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले क्या समझेंगे कि मृदा जल क्या करता है, खनिज लवण और पोषक तत्वों को क्या है, एक विलयन के रूप में पौधों को प्राप्त कराता है, ठीक है। पौधे क्या होते हैं, विलयन के द्वारा ही, आपने वो प्रोसेस पढ़ी होगी ना, मास फ्लो, डिफ्यूजन, ठीक है, रूट इंटरसेप्शन, तो उनके अंदर जो है पहले विलयन बनता है, ठीक है ना, फिर जो है ऑस्मोसिस के थ्रू जो है प्लांट्स के अंदर न्यूट्रिएंट जाते हैं। वही चीज़ है कि मृदा जल क्या होगा, उनको घोल के रूप में प्रदान करता है, ठीक है। उनके लिए जो प्राथमिक पोषण होता है वो क्या होता है, पौधों के लिए तो मृदा जल ही होता है, ठीक है ना। उनके लिए यदि जल नहीं है तो अपने देखते हैं कि एक तो जो ड्राई लैंड फार्मिंग होती है वहाँ पर क्या है, अपने बरसात के पानी से खेती करते हैं, तो प्रोडक्शन वहाँ पे कम होता है। यदि वहाँ पे बिल्कुल ही पानी ना हो तो वहाँ पे प्रोडक्शन होएगा ही नहीं। वही चीज़ है कि पानी क्या है, जो प्लांट्स होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनके लिए क्या है, सबसे बेस्ट जो है उनका पोषण होता है, ठीक है। तो ये चीज़ें आप जो है सोयल वाटर के अंदर लिख सकते हैं। मेन जो है सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपकी मृदा वायु। एक मिनट इसको रफ़ी कर लेते हैं, टेबल बनानी पड़ेगी तब। ये टेबल से जो है एग्ज़ाम के अंदर आपके एक एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और एग्जामिनर सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक चीज़ देखिए आप, मृदा वायु, सोयल एयर, एक चीज़ देखिए कि यदि थ्योरी पढ़नी होती, थ्योरी उसको पता है कि बच्चे अपने हिसाब से मृदा जल के अंदर क्या लिख सकते हैं, अपनी भाषा में लिखे हैं, घोल कर उनको क्या करते हैं, पौधों को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, इससे मृदा जल से क्या होती है, वहाँ पे नमी बनी रहती है, ये चीज़ें थ्योरी में लिख सकते हैं। मेन इंपॉर्टेंट होती है जहाँ पर कोई डाटा दिया हो, जैसे इसके अंदर मृदा वायु के अंदर जो CO2, O2 जो है, नाइट्रोजन है, इनकी क्या है मात्रा दी हुई है, तो वो आपको याद रखनी होगी, ठीक है। तो मृदा जो वायु है उसके अंदर क्या याद रखना है आपको, इस प्रकार से एक टेबल बना लीजिएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिएगा
गैस ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए वायुमंडल और यहाँ पे लिख लीजिए मर्दा वायु ठीक है। यहाँ पे आप एटमोसफेयर लिख लेना, यहाँ पे सोयल एयर लिख लेना इंग्लिश मीडियम वाले ठीक है। ठीक है, यहाँ पे सोयल एयर आ जाएगा। ये टेबल आप अच्छे तरीके से नोट कर लेना, एक एक नंबर के अंदर क्वेश्चन आते हैं। सबसे पहले अपने ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन ऐसी गैस है जो क्या होती है, वायुमंडल के अंदर ज़्यादा होती है और जो मृदा की जो वायु होती है उसके अंदर कम होती है। बाकी जो है बहुत सारी बुक है वो ऐसे भी बोलती है कि जो नाइट्रोजन होती है वो भी क्या होती है, मृदा वायु के अंदर क्या होती है, कम होती है। लेकिन जब आप डाटा चेक करोगे, गूगल पे सर्च करोगे, तो जो नाइट्रोजन है वो भी क्या होती है, मृदा के अंदर ज़्यादा होती है। सिर्फ ऑक्सीजन ये कम होती है क्योंकि वहाँ पे जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म सूक्ष्म जीव रहते हैं, वो क्या करते हैं इसका यूज़ सबसे ज़्यादा करते हैं ठीक है। क्योंकि डिकम्पोजिशन होता है तो वहाँ पर वो क्या है, सूक्ष्म जीवों को ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है ठीक है। तो अपने ऑक्सीजन CO2 और अपने बात करेंगे नाइट्रोजन की N2 की। तो वायुमंडल जो है उसके अंदर ऑक्सीजन कितने परसेंट है, 21% होती है लगभग, अपने बोल सकते हैं ये होती है 20.9% ठीक है। तो जो राउंड फिगर के अंदर इसको 21% माना जाता है, जबकि जो मर्दा वायु होती है उसके अंदर होती है 20.6% ठीक है। वायुमंडल में 21% और मर्दा वायु के अंदर 20.6% होती है। CO2 की बात करें तो वायुमंडल के अंदर CO2 होती है आपकी 0.03% ठीक है, और जबकि जो मर्दा वायु है उसके अंदर होती है 0.3% ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें तो वायुमंडल के अंदर नाइट्रोजन कितनी होती है, तो 78% होती है ठीक है, और जो आपकी मर्दा वायु है उसके अंदर 79% होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि सर ये तो आपने उल्टा लिख दिया। उल्टा नहीं है, ये सही डाटा है। पहले मेरे को भी किसी ने जो है, मैंने किसी फ्रेंड है उसके साथ डिस्कस किया था इस पॉइंट पे भी, मैंने ये पढ़ा हुआ है ये वाला डाटा ठीक है। तो वो एक दिन कहता कि नहीं ये ऐसा नहीं होता, ये तो उल्टा होता है। फिर मैंने क्या है गूगल पे चेक किया, अभी 2-3 दिन पहले की बात है, गूगल पे चेक किया तो यही डाटा दिखा रहे हैं ठीक है। तो ये जो है डाटा करेक्ट है, याद रखना है ऑक्सीजन वायुमंडल में 21% जबकि मर्दा वायु में 20.6%, तो मतलब जो मर्दा वायु है उसके अंदर ऑक्सीजन कम होती है। CO2 की बात करें तो 0.003% होती है और मर्दा वायु है उसके अंदर 0.3% होती है। नाइट्रोजन की बात करें तो वायुमंडल में 78% होती है और सोयल एयर के अंदर 79% होती है। अब ये चीज़ देखिए, ये दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, मर्दा वायु के अंदर बड़ी होती है, ज़्यादा होती है। अब एक चीज़ यहाँ पे आपको याद रखनी होगी, क्वेश्चन 1 नंबर में ये पूछा जाता है कि जो वायुमंडल है और जो मर्दा वायु है, मतलब एटमॉस्फेयर और जो सोयल एयर है, उसके अंदर CO2 का डिफरेंस कितना रहता है। तो आपको याद रखना है कितना रहता है डिफरेंस, 10 टाइम्स रहता है ठीक है। 10 गुना जो है वो इसके बीच में अंतर होता है वायुमंडल की CO2 और जो मर्दा वायु है उसकी CO2 में ठीक है। क्योंकि ये देखो, इसको जब अपने 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.3% आता है। तो याद रख लेना आप कि 10 टाइम्स जो है उसका डिफरेंस होता है एटमॉस्फेयर और सोयल एयर के अंदर जो CO2 होती है ठीक है। वायुमंडल की जो CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड, और मर्दा वायु की जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसमें 10% जो टाइम्स है, 10 गुना जो है उसका जो है अंतर होता है। ये था अपना छोटा सा टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ सोयल मृदा के अवयव ठीक है। तो ये डाटा आप अच्छे तरीके से नोट याद कर लेना। और एक चीज़ मेरी हमेशा याद रखना, जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी बड़ी क्या होगी, तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी ही बड़ी आपको कामयाबी मिलेगी ठीक है। तो आप तकलीफें मिल रही है तो उनको आप सहन कीजिए ठीक है, उनसे लड़िए ठीक है। क्योंकि लास्ट के अंदर जो अपने को कामयाबी मिलेगी वो बहुत ही बड़ी होगी, जिसकी अपने जितना बड़ा अपनों ने सपना देखा था ठीक है। तो अपने कामयाबी पे लगे लगे रहिए ठीक है, अपने हार्डवर्क पे बिलीव रखिए, आपको हमेशा सक्सेस मिलेगी ठीक है। तो इस डाटा को भी आप अच्छे तरीके से याद रख लेना, क्योंकि कंपोनेंट्स ऑफ जो सॉइल है मृदा के अवयव है उसके अंदर एक ये टेबल इंपॉर्टेंट है, या जो मैंने स्टार्टिंग के अंदर चार्ट बताया था उसके अंदर जो पूछे हुए थे, खनिज पदार्थ कितना होता है, कार्बनिक कितना होता है, मृदा जल मृदा वायु कितना होता है। तो ये अपना टॉपिक खत्म होता है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।